नमस्ते सस्रीकाल एंड केम छो, दिस इज शेफ वर्षा एंड वेलकम टू माय चैनल वर्षा बेक एंड कुक स्टूडियो। श्रीखंड एक बहुत ही बेहतरीन डेजर्ट है जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आप घर में बना सकते हो, बहुत ही इजी है बनाना। तो आइए चलो श्रीखंड कैसे बनाते हैं वो लर्न करते हैं। श्रीखंड बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो गाढ़ा दही जिसमें बहुत सारी मलाई हो और फैट कंटेंट ज़्यादा हो। आप घर में भी दही जमा सकते हो या मार्केट से भी खरीद सकते हो। 1/2 कप पीसी हुई चीनी, कट कैश्यू नट्स, कट आलमंड्स, केसर। केसर को यूज़ करने के लिए हमें उसमें 1 टीस्पून ऑफ मिल्क ऐड करना है। मिल्क वार्म होना चाहिए। 10 मिनट तक रखने के बाद हम देखेंगे कि हमारा केसर है बिल्कुल ही डिजॉल्व हो जाता है मिल्क में। इसको हम केसरी फ्लेवर देने के लिए श्रीखंड में ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऑफ पीसी हुई इलायची। हमें दही को हंग करना है। हंग करने के लिए हम उसके लिए एक दुपट्टे का टुकड़ा लेंगे या तो हम मस्किन क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम सारा दही डाल के उसको 1 नाइट के लिए हैंग करेंगे। हैंग करने से उसके जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, वाटर है, वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा और हमारे पास बिल्कुल गाढ़ा दही रहेगा। इस तरह से दही को कपड़े में डालने के बाद हम इसको बिल्कुल टाइटली नॉट करके एक टैप के ऊपर या किसी ऊंची जगह पे हम इसको हैंग करके रखेंगे। दिस हैंगिंग प्रोसेस विल रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द दही एंड विल हैव दैट गाढ़ा दही विद अस व्हिच इज द बेस ऑफ द डेजर्ट। वन नाइट हैंग करने के बाद हमारे पास हैंग कर्ड रेडी है। इसको हम बिल्कुल स्मूथ करेंगे एक विस्कर की हेल्प से। तो एक बाउल में उसको ऐड करके हमें विस्कर से उसको विस्क करना है। सो पीसी हुई चीनी डाल दीजिए। फिर इसको काफ़ी टाइम तक विस्क करते रहना है जिसके उसके सारे लम्स टूट जाएंगे और शुगर बिल्कुल से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद जो हमने केसर सोक करा है मिल्क में उस मिल्क को ऐड कर दीजिए। केसर और शुगर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से फेंटिए। विस्क करने से सारे लम्स ब्रेक हो जाएंगे और शुगर भी अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाएगी। Now add cardamom powder into it and mix well. अगर आपने ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने हैं तो आप इसको बहुत तरह से फ्लेवर दे सकते हो। यू कैन ऐड चॉप मैंगो इनटू इट, यू कैन ऐड चॉप फिग्स, डेट्स डाल सकते हो आप उसमें। यू कैन मेक मैनी वेराइटीज ऑफ श्रीखंड लाइक चॉकलेट फ्लेवर, कॉफ़ी फ्लेवर, ड्राई फ्रूट्स फ्लेवर, फिग्स, यू कैन ऐड डेट्स ऑल्सो। आइए इसमें थोड़े से आलमंड्स और कैश्यू नट ऐड करते हैं और इसके बाद हमारा डेजर्ट बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड है। और वी नाउ वी विल कीप इट इनसाइड द फ्रिज फॉर 2 आवर्स एंड लेट इट चिल। आफ्टर चिलिंग यू कैन जस्ट सर्व इट विद द पूरी और यू नो यू कैन ईट लाइक आइसक्रीम ऑल्सो। सो हमारा श्रीखंड बिल्कुल ठंडा है फ्रिज में। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो कोई भी सर्विंग बाउल ले लीजिए और उसमें श्रीखंड